आज हम बात करेंगे हेनरी मार्टिन के बारे में। वैसे तो कई मिशनरी विदेशों से भारत आए और प्रभु के काम का बीड़ा उन्होंने अपने ऊपर उठाया। उनमें से कुछ के बारे में हम लोग जानते हैं और कुछ के बारे में नहीं। हेनरी मार्टिन उन लोगों में से एक हैं जिन्हें भारत और ईरान के चर्चों में अग्रदूत के रूप में याद किया जाता है। हेनरी मार्टिन का जन्म 18 फरवरी 1781 को हुआ। उन्होंने अपने बहन के जन्म के बाद बहुत कम उम्र में अपनी मां को खो दिया। उनके पिता जॉन मार्टिन एक खनिक थे जो एक व्यापारी के कार्यालय में एक क्लर्क के स्तर तक बढ़ गए थे। वह एक ईसाई थे और प्रार्थना सभाओं में भाग लेते थे और अपने बच्चों हेनरी और सैली को आध्यात्मिक तरीके से बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते थे। जब वे अपनी पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए तो वहाँ रेवरन चार्ल्स साइमन के संपर्क में आए जो उस समय विद्यालय में चैपलियन थे। उन्होंने हेनरी को प्रोत्साहित किया और प्रभु के कार्य में शामिल करने के लिए प्रेरित किया। बाद में डेविड ब्रेनर्ड के जीवन से प्रभु के लिए सेवा करने के लिए प्रेरणा मिली, जिन्होंने 29 साल के अपने छोटे से जीवन काल में आत्माओं को जीता था। हेनरी मार्टिन एक स्वागत योग्य और आकर्षक दिखने वाले व्यक्ति नहीं थे। जब वह कैम्ब्रिज में पढ़ते थे तो क्रिकेट फुटबॉल जैसे खेल खेले जाते थे, तो वह एक पेड़ के पीछे कहीं खड़े होते थे और अपने आकर्षक होने के कारण वे किसी से भी बातचीत में डरते थे। लेकिन वह एक बुद्धिमान और प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक युवा लड़की को उससे प्यार हो गया था क्योंकि वह एक बुद्धिमान और सज्जन पुरुष थे। उस लड़की का नाम लीडिया था। एक दिन जब हेनरी मार्टिन एक चर्च में बैठे थे और कोई भारत के बारे में बात कर रहा था कि भारत में यीशु मसीह के सुसमाचार को प्रचार करने के लिए एक मिशनरी की आवश्यकता है, उस बात को सुनने के बाद यह 20 वर्षीय युवा वहां से चला गया और उसने स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर से पूछा कि क्या यह उसकी इच्छा थी कि उसे ऐसा करना चाहिए। क्या आप जानना चाहते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन में क्या हुआ था? एक दिन उसने जाकर उस लड़की के घर का दरवाजा खटखटाया जो पूरी दुनिया में उसे सबसे प्यारी थी, जिसने उसके दिल में गहरी लगन, प्यार, रोमांस का संचार किया था और वह उसके प्रति प्रतिबद्ध थे। उन्होंने उससे पूछा, लीडिया, प्रभु ने मुझे एक मिशनरी के रूप में भारत जाने के लिए कहा है, हालांकि मैं इस योग्य नहीं हूँ। क्या आप मेरे साथ शादी करने के बाद भारत में जाकर प्रभु यीशु की सेवा करेंगी? पर लीडिया ने उससे कहा, हेनरी, यह दुनिया का ऐसा हिस्सा है जहाँ मैं कभी नहीं जाना चाहती। मैं भारत नहीं जाना चाहती। हेनरी ने यह सुनकर पूछा, आप इस तरह की बात कैसे कर सकती हैं? उन्होंने उससे कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा दिल नहीं जाना चाहता। हेनरी उनसे बहुत प्यार करता था। उनका भरोसा जीतने के लिए और उसको साथ ले जाने के लिए वह कुछ समय तक उनसे विनती करता रहा, लेकिन उनका जवाब नहीं था। हेनरी मार्टिन कहते हैं, जब वह एक दिन प्रार्थना कर रहे थे तो उनके दिल में संघर्ष शुरू हो गया कि वह लीडिया के होने जा रहे हैं या भारत जा रहे हैं। वास्तव में यह चुनाव एक संघर्ष था। लीडिया है, भारत नहीं, वरन लीडिया और ईश्वर और उसकी इच्छा के बीच अंत में यह आदमी भारत आया और वहाँ से पेरिस चला गया, जहाँ उसे जंजीरों से बांधकर रेगिस्तान में घसीटा गया। हेनरी को अपनी यातना देने वालों के हाथों बहुत कुछ झेलना पड़ा। आखिर में 31 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि 31 साल की उम्र में
उन्होंने मरने से पहले दुनिया को क्या दिया? उन्होंने बाइबल का नया नियम का अनुवाद हिंदुस्तानी और फारसी और अरबी में किया। मेरे दोस्तों, आज हम अपने बारे में भी सोचें कि हमारे दिल में भी हेनरी की तरह परमेश्वर का काम करने के लिए भूख और प्यास है। यीशु ने कहा, मेरा भोजन मेरे पिता की इच्छा को पूरी करना है। यदि आपके और हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने की भूख और प्यास है, तो हम उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे, यहाँ तक कि अपने जीवन को निछावन करने को भी। क्या आप उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए तैयार हैं? इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद देती हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।